प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। सारे भोजपुरी दर्शक और हमारे प्यारे भाई लोग को नमस्कार दिल से करता हूं और हमारे प्रोड्यूसर विनोद पांडे जी को मैं थैंक्स और नमस्कार करना चाहूंगा कि हमारे भैया हमारे ऊपर विश्वास किए और एक बहुत ही खूबसूरत एक फैमिली फिल्म बनाई है और वो फिल्म आज जो है पूरे इंडिया में लगी हुई है, बिहार में और दिल्ली में, यूपी में, आज महाराष्ट्र में तहलका मची हुई है और सुपर हिट हो गई है फिल्में और गुजरात में लगी है। तो मैं मेरा किरदार बताना चाहूँगा कि एक नागराज हमारे हैं जो हमारे भाई हैं कि बहुत अच्छा और बहुत उम्दा एक्टर हैं हमारे भैया रमेश द्विवेदी जी, इनके साथ हूँ मैं। एक लल्लन जो हमारा कैरेक्टर है लल्लन, तो वही कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया और पब्लिक जो देख के पब्लिक को अच्छा लग रहा है और हमारे प्रोड्यूसर को भी अच्छा लग रहा है कि भाई लल्लन बहुत अच्छा किया है और सारे लोग अच्छा किए हैं और हमारे उमेश भाई टाइगर जो कि आज भोजपुरी का टाइगर उमेश सिंह, बहुत गजब का उनका कैरेक्टर है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों से साथ में काम करने में और भोजपुरी एक फैमिली अगर बहन बेटी माँ सारे लोग एक साथ फिल्म देखे तो अच्छा लगता है। आज वही बैरी कंगना 26 साल पहले जो रिलीज हुई थी आज वही फिर से दर्शक वापस इतिहास दोहरा रही है और लोग अच्छे तरह से आ रहे हैं। बनारस में जो कि बहुत ही धमाका हुआ है, अच्छे लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई है और मैं यही चाहूँगा कि सारे दर्शकों की ऐसे ही फिल्म देखें। काजल राघवानी के साथ था मेरा सीन, हम लोग का था, लेकिन वो इमोशनल सीन था कुछ ऐसा कि वहाँ पे मैं तांडव मचाता हूँ, बस ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे वजह से सब प्रॉब्लम बहुत सारा हुआ है, वहाँ इशू हुआ है। नहीं, फिल्म के अंदर जो है अंदर बाहर नहीं, बाहर तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। काजल अगानी जी बहुत अच्छी हैं, सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं और लोटा जी, लोटा तिवारी जो इंडस्ट्री के बहुत टॉप कॉमेडियन इस टाइम पर निकले हुए हैं, भाभी जी घर में हैं, जीजा जी अंदर हैं, छत पे हैं, बहुत सारे सीरियल बहुत सारे फिल्में कर रहे हैं और हमारे उमेश टाइगर उमेश भैया का तो कोई बात ही नहीं है। और लोटा का किरदार ऐसा है कि बिहार में इनको बैन किया गया, हाँ बिहार में बोल है बॉबी डार्लिंग बहुत फेमस हो गए हैं, पहुंच जाए तो इनका जो किरदार उसके बाद इनके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरा नाम कुमार विजय और मैं अभी ये बैरी कंगना फिल्म देखने आया था और काफ़ी अच्छी मूवी बनी है ये और रवि किशन जी का काम बहुत अच्छा लगा, बाकी सबका काम बहुत अच्छा है, डायरेक्टर साहब का भी काम बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी एक फिल्म आने वाली है ससुरा धोखेबाज, ये अक्टूबर तक आ जाएगी और ये भी एक पारिवारिक फिल्म है। ऐसा कुछ तो धोखेबाजी हुआ है जो बता दूंगा तो अभी मज़ा नहीं आएगा, हाँ पिक्चर देखेंगे लोग तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। रवि किशन की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और फिल्म फैमिलियर है, जैसे पहले मूवी में वहाँ पर होता था कि बहुत अच्छी है, अपन एक फैमिली के बैकग्राउंड में पूरा साथ में बैठ के मूवी देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट भी है, फाइटिंग भी है, मूवी काफ़ी अच्छी है। नहीं, मैं इन्जॉय किया हूँ, मुझे एक्चुअली ऑलरेडी शुरू से हॉरर मूवी बहुत पसंद है, ज़्यादातर मैं अगर घर पे हूँ तो हॉरर मूवी देखता हूँ। सपना का डांस कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैडम ऐसा है, पिक्चर में देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा और रवि किशन का एक्टिंग जो है वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, रवि किशन का एक्टिंग भी देखने में और पिक्चर भी दमदार है, जो पहले बैरी कंगना था और अभी जो बनाया ये अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा, लेकिन ये और अच्छा लगा, इसकी कहानी हर अच्छा भी अच्छा है और पारिवारिक पिक्चर भी है और वैसे भी तो मैं रवि किशन से मिलने के लिए भी पनवेल से इधर भी आया हूँ और पिक्चर भी देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दोनों हीरोइन काम कैसा लगा? अब दोनों हीरोइन का फिल्म अच्छा लगा, फिल्म समाज को देखने लाए है, सारी फैमिली साथ में देखने के लिए अच्छी फिल्में हैं और सारे लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फिल्म सभी लोग देखने जाए पूरा फैमिली के साथ में। पिक्चर बहुत बढ़िया है, जीतू शुक्ला का रोल सबसे अच्छा लगा मुझे, उनका रोल सबसे बढ़िया था। मूवी है, सब देखना चाहिए इस मूवी को भी। रवि किशन काम कैसा लगता है? रवि किशन की पिक्चर अच्छी लगती है हम लोग को, सामाजिक पिक्चर है, ऑब्वियसली की देखना चाहिए हम लोग सबको। हाँ, रवि किशन जी का अच्छा है, जीतू शुक्ला का काम अच्छा है विलन के तौर पे।
प्लैनेट भोजपुरी।